फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया टीवी एस्ट्रो की स्पेशल प्रेजेंटेशन कमल नंदलाल का अंक भविष्यफल में बात करेंगे। मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपके नाम के आधार पर आपका राशिफल बताएंगे, नाम और मूलांक के आधार पर कुछ सिंपल से उपाय जो आपके जीवन को सक्सेसफुल बना देंगे, शुभाशुभ की जानकारी देंगे, बताएंगे क्या है आपके लिए शुभ और क्या है आपके लिए अशुभ। तो शुभ को अपनाना है और अशुभ को त्याग देना है, यही है सक्सेस मंत्र। इसके साथ साथ आपको बताएंगे सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे नामांक स्पेशल उपाय और नामांक स्पेशल मंत्र, एक ऐसा मंत्र और उपाय जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देगा और किसी खास समस्या को चुटकी में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की शुभाशुभ के साथ में। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 8 जुलाई 2024, तिथि रहेगी तृतीया, तिथि अंक रहेगा 3, नक्षत्र रहेगा पुष्य, ये एक्सटेंशन ऑफ पुष्य नक्षत्र है और ऐसे में नक्षत्र अंक रहेगा 8, दिन का मूलांक रहेगा 8 और भाग्यांक रहेगा 5। तो दिन का शुभ रंग रहेगा हरा और अशुभ रंग रहेगा मरून। दिन की शुभ दिशा रहेगी उत्तर और अशुभ दिशा रहेगी पूर्व, तो इसलिए पूर्व दिशा के ट्रेवल करने से बचें। दिन का सबसे अशुभ समय रहेगा सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:58 तक और दिन का सबसे शुभ समय रहेगा शाम को 5:42 से लेकर शाम को 7:46 तक। विशेष क्या है, आषाढ़ नवरात्र की तृतीया है यानी कि तीज है और ऐसे दिन ऐसे में तीसरी महाविद्या देवी ललिता यानी देवी षोडशी, राजराजेश्वरी और बाला त्रिपुर सुंदरी, इनके पूजन का विधान है और हमारा जो नामांक स्पेशल उपाय और मंत्र है वो भी देवी ललिता से ही जुड़ा हुआ, उसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं अंक भविष्यफल की मूलांक 1 के साथ में। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम एजेएस से शुरू होता है, पिता से वैचारिक मतभेद की संभावना है, रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, आर्थिक लाभ की बेहतर स्थिति बनेगी, कारोबारी परेशानियां आ सकती हैं। उपाय ये करें कि सफेद गाय को गुड़ खिलाएं। मूलांक 2 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 2/11/20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम बीके या टी से शुरू होता है, वाणी पर काबू रखें, घर की मरम्मत पर खर्चा होगा, घर पर मेहमानों का आगमन होगा, नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं। उपाय ये करें कि शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं। मूलांक 3 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 3/12/21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम सी एल या यू से शुरू होता है, किसी वाद विवाद में ना पड़े, रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, रिश्तों को लेकर दुविधा में रहेंगे, सतर्क रहें, चोट लगने की संभावना है। उपाय ये करें कि पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। मूलांक 4 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 4/13/22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम डीएमएम से शुरू होता है, करीबी मित्र की सलाह से लाभ होगा, बड़ा कारोबारी निर्णय लेंगे, नौकरी पेशा के लिए समय अच्छा रहेगा, सेहत पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि किसी जरूरतमंद को सफेद चप्पल दान करें। मूलांक 5 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 5/14 या 23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ENW से शुरू होता है, रुके हुए कामकाज पूरे करने का प्रयास करेंगे, उधार दिया हुआ धन प्राप्त होगा, आर्थिक क्षेत्र सुधरेगा, कहीं बाहर जाने के योग हैं। उपाय ये करें कि तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं। मूलांक 6 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6/15/24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FOX से शुरू होता है, आय में वृद्धि होगी, साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, पेट से संबंधित रोगों से परेशान रहेंगे, नौकरी में अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। उपाय ये करें कि महालक्ष्मी पर चंदन चढ़ाएं। मूलांक 7 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7/16/25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम GP या Y से शुरू होता है, घरेलू कामकाज में व्यस्तता रहेगी, कोई बनता हुआ कारोबारी काम रुक सकता है, दाम्पत्य में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं संतान के कारण, हालांकि आप कुछ प्रसन्न रह सकते हैं। उपाय ये करें कि भैरव मंदिर में दूध चढ़ाएं। मूलांक 8 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8/17/26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम HQ या Z से शुरू होता है, कार्य क्षेत्र में बेहतर माहौल बना रहेगा, धन लाभ के योग हैं, बड़ी कारोबारी डील होने की संभावना है, घर पर मेहमानों का आगमन होगा, सम्मान में भी वृद्धि की संभावना है। उपाय ये करें कि पीपल पर ठंडी दही चढ़ाएं। मूलांक 9 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9/18/27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम I या R से शुरू होता है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलने के योग हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, छात्रों का मन पढ़ाई से हट सकता है। उपाय क्या करें कि हनुमान मंदिर में मावे का प्रसाद चढ़ाएं। तो फ्रेंड्स अब समय है ये जानने का कि सभी नाम और मूलांक वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। तो देखिए, देवी षोडशी का दिन है, आषाढ़ नवरात्र की तृतीया है, महादेवी ललिता का
पूजन का विधान है, तो ऐसे में देवी षोडशी यानी कि ललिता पर सफेद फूल, चंदन, पंचामृत इत्यादि चढ़ाएं, चंदन से तिलक करें, चांदी शक्कर पर फल खरीदना शुभ रहेगा, सफेद कपड़े पहनना शुभ रहेगा, नागकेसर का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बात कर लेते हैं असफलता से बचने के लिए क्या ना करें। तो देखिए, अत्यधिक गुस्सा ना करें, किसी का उपहास ना करें, मैरून कपड़े ना पहने, मांस मदिरा का सेवन ना करें, समुद्री नमक का दान और उपयोग ना करें, पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। तो फ्रेंड्स, अब समय है नमक स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो आर्थिक हानि से मुक्ति दिलवाएगा। खास दिन है तो देवी ललिता के पूजन का दिन है, तो आर्थिक हानि से मुक्ति के लिए महादेवी षोडशी यानी कि देवी ललिता पर सफेद कनेर के फूल चढ़ाकर उसे जल प्रवाह करें। समय अब नमक स्पेशल मंत्र का, वो मंत्र जो आपको सौभाग्यशाली बना देगा। तो सौभाग्यशाली जीवन के लिए स्फटिक की माला से महाविद्या त्रिपुर सुंदरी यानी कि षोडशी बाला त्रिपुर सुंदरी ललिता, उनके विशेष मंत्र ओम सौभाग्यवते नमः, इस मंत्र का जप करें, आश्वस्त करता हूँ आपको, निश्चित रूप से सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।